गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर नंबर आपका 7 और 8 है कंबाइंड करके यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एंड का अपन इसकी आज क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे. यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एंड मैं आपको लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि क्या किस कैसे यूज करना है. अपन को ए का यूज कहाँ करना है एंड का यूज कहाँ करना है. ए का यूज किसके साथ होगा कॉन्सोनेंट लेटर के साथ और एंड का यूज किसके साथ होगा वॉवेल्स के साथ होगा. कॉन्सोनेंट लेटर टोटल कितने होते हैं 21 consonants होते हैं. कितने होते हैं total 21 alphabet letter में 21 consonants होते हैं और vowel किसके होते हैं total 5 vowel होते हैं. ठीक है ना. तो आज आपका book का combined chapter है 7 और 8. 7 chapter आपका use of a और 8 है use of and. तो दोनों को combine करके हम उसकी exercise कर रहे हैं. ठीक है ना. पहले कर रहे हैं use of a. ठीक है. Translation into English आपको हिंदी दी गई है उसका translation किसमें करना है आपको English में करना है. जैसे एक आम आ मैंगो एक आम आ मैंगो एक स्त्री आ लेडी एक कुर्सी आ चेयर एक मेज आ टेबल टेबल टी क्या हो गया कॉन्सोनेंट हो गया. कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज हो रहा है इनका ए यूज हो रहा है. एक केला आ बनाना एक पंखा आ फैन एक कमरा आ रूम एक टोपी आ हैट एक गाय आ काऊ एक शेर आ लायन एक कबूतर आ पिजन एक मोर आ पिकॉक एक तोता आ पैरेट एक अध्यापक आ टीचर एक विद्यार्थी आ स्टूडेंट्स. बाकी सारे भी आपके बुक के अंदर 4-5 और रह गए हैं वो मैंने गवाए नहीं है. आपको क्या करना है ये ट्रांसलेशन को कहाँ करना है अपनी नोटबुक में करना है. किसमें करेंगे नोटबुक में. तो नेक्स्ट चिल्ड्रंस आपकी कौन सी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेकंड है. इसमें आपको किसका यूज था एंड का यूज करेंगे. ठीक है ना. इसमें भी आपको ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ही है. आपको हिंदी दे रखा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है. बट उसमें अपन को क्या यूज करना था ए का यूज करना था. अब इसमें किसका यूज करना है एंड का यूज करना है. किसका यूज करेंगे एंड का. फर्स्ट देखो एक संतरा एंड ऑरेंज क्योंकि ओ आया है तो क्या हो गया वॉवेल हो गया. तो वॉवेल के साथ अपन को पता ही है कि क्या यूज करना है एंड यूज करना है. एक भारतवासी एंड इंडियन एक भारतवासी एंड इंडियन एक पशु एंड एनिमल एक पशु एंड एनिमल एक दवात एंड इंपोर्ट एक दवात एंड इंपोर्ट एक चींटी एंड आर्ट एक चींटी एंड आर्ट एक सराय एंड इन सराय मींस इन इन बोलते हैं हिंदी में. एक बाजू एंड आर क्या बोलेंगे एंड आर. एक टखना एंड एंकल एंड टखना होता है. एक बैग एंड ऑक्स एक गधा एंड एस एस मींस गधा. एक अंडा एंड एग एक उल्लू एंड आओ. तो ये क्या हो गए सारे यूज ऑफ ए के एंड के एग्जांपल्स थे. और जो पहले अपन ने करे थे वो किसके थे यूज ऑफ ए के एग्जांपल्स थे. तो आपकी दो एक्सरसाइज और दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. देखो ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर सेवन था. इसमें दे रखा था यूज ऑफ ए का यूज दे रखा एंड का यूज चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 6 है ये. ठीक है ना. चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ है. ये चैप्टर नंबर 6 था एंड चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है इसकी. ठीक है. तो आपको क्या करना है ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए हैं. ठीक है. तो आपको आपका जो काम है वो मेरे को काम करना है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है और पूरा वर्क नीट एंड क्लीन करना है तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है. ठीक है. ओके थैंक यू.